Assalamu alaikum everyone, this is Ishar Shehzad here and once again welcome back to my YouTube channel. Last lesson में हम लोगों ने बात की थी कि major chords and strumming pattern के बारे में. Major chords बहुत important हैं, आप लोगों को याद कर लेने चाहिए. मेजर कॉर्ड्स में मैंने दो कॉर्ड्स को और प्लस किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मेजर कॉर्ड्स याद हो जाएं. आज भी हम जो है गानों के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम बोर ना हों. आज मैंने एक सिंपल सा लेसन बनाया आप लोगों के लिए. वो लोग जो चाहते हैं कि हम गिटार प्ले करें फौरन से और साथ में गाएँ भी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर बेसब्रापन बहुत ज़्यादा होता है. मेरे अंदर भी था जब मैंने फर्स्ट टाइम गिटार को हाथ लगाया था. वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आगे मत कीजिएगा, आप मेरी बात पूरी सुने ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. इस लेसन से उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है. स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत सारे हैं और बहुत सारी स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर लोग गाने कंपोज करते हैं, लोग गाने गाते हैं. मैं जो आज आपको स्ट्रमिंग पैटर्न बताने वाला हूँ ये बहुत बिगनर्स के लिए है, स्पेशली बिगनर्स के लिए है. मतलब कहने का ये है कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ डाउन स्ट्रोक करूँगा और उसमें मैं आपको बताऊँगा कि गाने किस तरीके से गाए जाते हैं डाउन स्ट्रोक करके. सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ डाउन स्ट्रोक करने हैं. सो आइए स्टार्ट करते हैं. आज जो मैं सबसे पहला कॉर्ड लूंगा वो है एफ मेजर, सेकंड है ए मेजर, ए शार्प मेजर और थर्ड कॉर्ड है बी मेजर. एफ मेजर, ए शार्प मेजर और बी मेजर, ठीक है जी. और कहीं कहीं मैं इसके साथ यूज करूंगा डी माइनर. आप चाहें तो यूज करें, ना चाहें तो यूज करें, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो मैं आपको स्ट्रमिंग पैटर्न बताता हूँ कि स्ट्रमिंग पैटर्न जो है, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बहुत सिंपल है और जो बिगनर्स हैं वो इजीली इसको गा सकते हैं. आइए मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ. कुछ नहीं करना है, आपने पिक लेनी है और स्ट्रिंग को म्यूट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब मैंने क्या किया है, मैंने आपको कम टेम्पो में भी करके दिखाया और तेज टेम्पो में भी करके दिखाया. अब मैं इसको सिर्फ अगर प्ले करता हूं कॉर्ड लगाकर तो देखें कुछ ऐसा साउंड कर रहा है. अच्छा जी, तो इस स्ट्रमिंग पैटर्न पे आप क्या कुछ गा सकते हैं वो भी चेक कर लेते हैं. मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि मैंने इसके साथ कुछ एडिशन कॉर्ड भी यूज किए हैं अपने स्टाइल, जिस स्टाइल में गाता हूं. आप सिंपल जो बिगनर्स हैं स्पेशली उन्हीं के लिए है लेसन, तो मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ ले एफ मेजर, सेकंड कॉर्ड लें ए शार्प मेजर और जो लास्ट कॉर्ड है उसको लें बी मेजर. आप इन तीन कॉर्ड्स के ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं गाना गाकर, जरूरी नहीं है कि आप और कॉर्ड्स भी यूज करें. वैसे इसके साथ जो कॉर्ड यूज होता है एफ मेजर के बाद वो है डी शार्प मेजर, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे ज्यादा भी अच्छा प्ले करेंगे. तो आप सबसे पहले क्या करें, आपने लिया एफ मेजर पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है. और कितने सॉन्ग है, एक गाना मुझे और याद आ रहा है वो भी मैं इसके साथ ऐड कर देता हूँ. अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई. तो इस तरह आप बेशुमार गाने गा सकते हैं. मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए दो गाने गाए,
ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वरना इस पैटर्न के ऊपर मैं बहुत सारे गाने प्ले कर सकता हूँ। तो जी ये थे वो पैटर्न, स्ट्रमिंग पैटर्न, और ये थे कॉर्ड्स जो मैंने आपको बताए हैं। अब खेल है आपके दिमाग का कि आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। आप कोशिश करें कि चेक करें कि इस पैटर्न के अंदर और कितने गाने एडजस्ट हो सकते हैं इस स्ट्रमिंग पैटर्न के अंदर, और इन कॉर्ड्स के ऊपर और कौन से गाने हैं जो मैच कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर गाने का लेसन ही देखना है, ख़ुद भी अपने दिमाग को यूज़ करने की कोशिश करनी है, आदत डालनी है, ताकि आपको आने वाले वक्त में जो है ज़्यादा परेशानी ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पिक करने लगें। तो ये था आज का लेसन। आने वाले दिनों में हम माइनर कॉर्ड्स को भी कवर करेंगे, और जबकि आपके दो मेजर कॉर्ड्स रहते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनको भी साथ साथ लेके चलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, कोई अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दिएगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। अल्लाह।